राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। कल चर्चा हुई थी अम्बरीश के पूर्व जन्म के बारे में, जो शंका किया था कि पूर्व जन्म में तो वो जैसा लिखा है कि सुनार थे, और फिर एकदम से इतना प्रभाव कैसे आया। कि दुर्वासा जैसे ऋषि जिनके शाप से यदुवंश नष्ट हुआ और जिनके शाप से भय से लक्ष्मण ने राम की आज्ञा के विरुद्ध दुर्वासा को जाने दिया था, और इसके फलस्वरूप राम ने उनका परित्याग कर दिया था। तो ऐसे रुद्रावतार का अम्बरीश के पीछे त्याग या परित्याग कुछ भी समझ लो, ये समझ में नहीं आया। दुर्वासा जी के पीछे लक्ष्मण का परित्याग हुआ था, जो घटना सीता के भी परित्याग से बड़ी है। राम ने सीता का परित्याग किया था लोक मर्यादा के लिए, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवादा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। ये उत्तर रामचरित में राम की प्रतिज्ञा थी। कि समस्त स्नेह प्रेम दया सौख्य प्रेम आदि को, अथवा जानकी को भी आराधना लोकाराधन के लिए मैं छोड़ दूंगा तो मुझे व्यथा नहीं होगी। ये उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि ये बात भागवत में भी लिखी है नवे स्कंद में,
9, 10, 11 भगवान स्त्री आसक्ति इतनी प्रबल है कि स्त्रियों की आसक्ति शिक्षा देने के लिए चिल्लाते चिल्लाते सीता को ढूंढते ढूंढते जंगलों में घूमे। स्त्री संग्राम गतिमितिम प्रथयांश्चार 9, 10, 11 संसार को शिक्षा दिया। प्रथयन माने फैलाते हुए कि देखो स्त्री की आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि मैं भगवान होकर के भी और जंगलों में कांटों में घूम रहा हूं सीता को ढूंढते हुए। सबसे अधिक आसक्ति स्त्री में होती है। क्योंकि स्त्री शब्द बनाई है स्त्रैण धातु से। स्त्रैण धातु से मेलना मेलने मनुष्य का स्त्री के इतना संपर्क पड़ता है कि रजवीर एक हो जाता है। इसीलिए उसको स्त्री कहा गया। जिस यंत्र में जैसे मिक्सी में डालते हैं मसाला पिस जाता है एक हो जाता है, या जैसे मकान बनाते समय वो सीमेंट गिट्टी वगैरह एक हो जाती है मिलती है, वैसे स्त्री रूपी यंत्र माया ने ऐसा बनाया है कि वहां पुरुष जब मैथुन क्रिया में स्त्री से मिलता है तो उस स्त्री रूपी यंत्र में उसका अंश और उस दोनों का एक होकर के और उससे संतान उत्पत्ति होती है। इसलिए श्रुति में लिखा है आत्मा वही जायते पुत्र कि बेटा बेटी जो पैदा होते हैं स्वयं पुरुष अपनी स्त्री के भीतर जाकर के बेटा बनता है। जायते अस्याम इति जाया, जाया मनी स्त्री, जाया उसको कहते हैं जिसके भीतर मनुष्य जाकर के जन्म लेता है बेटा बन करके। जायते अस्याम इति जाया, इसीलिए स्त्री की आसक्ति सबसे ज्यादा प्रबल होती है। इस श्लोक में जो 9, 10, 11 में भगवान ने शिक्षा दिया कि देखो मैं ईश्वर होकर के भी और कष्ट भोग रहा हूं, इस बात को उन्होंने शिक्षा दिया
और यही बात नौ ग्यारह सत्रह में फिर कही गई है भागवत। स्त्री पुं प्रसंग एतात्रिक सर्वत्र त्रासमावह, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। नौ ग्यारह सत्रह, स्त्री पुं मने पुरुष की प्रसंग मने आसक्ति, सर्वत्र मने सब जगह, त्रास मने भय देती है। जीते जी भय देती है, मरने के बाद भय देती है। सर्वत्र मने सभी जगह, चाहे जिंदा रहो चाहे मर जाओ। जीते जी तो भय देती है, क्योंकि मनुष्य उसके पीछे सात चौदह शायद उनतीसवा है, जह्याद यदर्थे सुप्रणान है, बारह है तो गलत संख्या है। जह्याद यदर्थे सुप्रणान, मनुष्य उसके पीछे अपने प्राणों को छोड़ देता है। हन्याद वा पितरम गुरुम, माता पिता को, गुरु को छोड़ देता है। संसार में जितनी लड़कियों को ब्याह होता है तो माता पिता छोड़ने के बाद ही पति मिलता है, और पति भी उसके पीछे माँ बाप से अलग हो जाता है, अलग रहता है, अलग कमाता है। गुरु तो छोटी चीज है। तस्याम स्वच्छम स्त्रियाम जह्याद यस्तेन अजितोजितः, उस स्त्री में जिसकी आसक्ति छूट गई है उसने भगवान को जीत लिया। उसी तरह से पुरुष की स्त्री में और स्त्री की पुरुष में आसक्ति होती है। और यहां पर यह भी बात कही गई है, सात चौदह ग्यारह में, अप्येकात्मनोदाराम नृणाम स्वत्वग्रहो यतः, दारा मने अपनी स्त्री में जिसमें स्वत्व मैपना बहुत ज्यादा रहता है, उसको भी जो छोड़ देता है वो भगवान को जीत लेता है। रघुवंश राम जी के वंश का नाम है।
सूर्य से चला था ये वंश, तो इसका नाम पड़ा सूर्य वंश। फिर एक शाकुब है तो सूर्य वंश बदल करके इक्ष्वाकु वंश रखा गया। ऐसे ही नाम बदलता गया, लेकिन रघु के बाद नाम नहीं बदला, क्योंकि जो रघु ने किया वो राम नहीं कर पाए। स्त्री आसक्ति जीतने में राजा रघु सबसे आगे थे। और रघु के बाद उस वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जो स्त्री आसक्ति जीते। राम के पिता दशरथ जी ने तो कैकेयी की आसक्ति में राम को वन में भेजा। भेजना पड़ा कुछ भी समझो, इसी तरह से अज थे। आज की स्त्री थी इंदुमती, वो आज को इतनी प्यारी थी कि आज संसार भूल गए थे। और इतनी सुंदर और सुकुमार थी कि फूल की माला गिरी थी इनके ऊपर, आकाश से कोई उड़ के जा रहा था, उसी में इंदुमती का शरीर छूट गया था। उसके विरह में अज पागल हो गए। और अज के पागल होने के बाद नारी विरह में ऐसा रोए हैं कि आज तक इतना कोई नहीं रोया। राजपाट सब छोड़ दिया, दिन रात इंदुमती इंदुमती इंदुमती। तब प्रजा बोली अब कैसे राज चलेगा, सूर्य वंश समझो नष्ट हो गया, नारी विरह में राजा ही पागल हो गया है। तब वशिष्ठ जी के पास लोग गए जो सूर्य वंश के गुरु हैं, और वहां उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना किया कि सूर्य वंश नष्ट हो रहा है, क्या आप बचा सकते हैं इसको। वशिष्ठ जी बोले क्यों, बोले इंदुमती की मृत्यु हो गई है, राजा आज उसके विरह में अपनी सारी चेतना खो चुके हैं, वशिष्ठ जी ने कहा
जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये ब्रह्मा के कहने से ही सूर्यवंश के पुरोहित बने थे। पुरोहित बना अच्छा काम नहीं है, राजा का द्रव्य खाना पड़ता है। सारा बोझ रहता है शिष्य का गुरु पर। इसीलिए भजनानंदी महात्मा लोग कोई चेला वेला नहीं बनाते। शिष्य के पाप पुण्य गुरु तक को भोगने पड़ते हैं। जबकि गुरु विरक्त होता है, इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग शिष्य नहीं बनाते। हम जैसे भुक्खड़ लोग सोचते हैं कोई चेला बन जाए, चेली बन जाए। भूखे हैं हम लोग। विरक्त इसीलिए बनते हैं, आसक्ति जहां रहती है उसके कर्म आ जाते हैं। जैसे बिजली का तार, बिजली जैसे जहां तार है वही जाती है। अगर तार नहीं है तो बिजली यहां नहीं आएगी। वैसे जब जिसकी जहां ममता होती है, उस ममता से कर्मों का संक्रमण होता है। जैसे तार से बिजली दौड़ती हो, वैसे ममता से कर्मों का संक्रमण होता है। रावण ने सीता हरण किया और जितने लोग रावण को अपना स्वामी या अपना राजा मानते थे वो सब मारे गए, क्योंकि रावण को अपना स्वामी मानते थे। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखा है। कि सीता विमर्श हत रावण मंगलेशान, नौ दस बीस, हाँ ठीक कहा है। रावण को ईश्वर अपना मालिक मानने वाले सब मारे गए, क्योंकि सीता विमर्श हत मंगल। सीता को उसने छुआ था हरण करते समय गलत भाव से, तो उसका सब मंगल जल गया था। और उस पाप के कारण सारी लंका मारी गई। तो जिसका ममता जहां होता है, ममता है तार, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है कर्म। यहां तक लिखा है कौरों करोड़ों मारे गए, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़ के खींचे थे। कचस्पर्शतायुष प्रथम स्कंद आठवां अध्याय में शुरू में
पांच बाल खींचे दुशासन ने, मारे गए कौरव, क्योंकि वे पक्ष रखते थे, ममता रखते थे। तो ममता तो है तार, और कर्मों का आना जाना ममता के कारण होता है। हम जब पढ़ते थे तिहत्तर साल पहले, तो एक मंत्र था, यूनिवर्सिटी में रटे थे, अब तक याद है, कि जब कोई महापुरुष मरता है तो अपने कर्मों को यहीं छोड़ के जाता है। जैसे घोड़ा मिट्टी में लौटता है, जब उठता है तो गर्दन हिलाता है या अपनी धूल को वहीं फेंक करके जाता है। तो वैसे ही सा सुकृत दुष्कृतो विधुनते, जब महापुरुष मरते हैं, भगवत धाम जाते हैं, तो अपने पाप पुण्य दोनों झाड़ के जाते हैं, तभी मुक्त होते हैं। सुकृत भी शरीर से होता ही है, जान में भी अनजान में भी। और दुष्कृत भी, पाप भी होता है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में हो, हर आदमी से होता है। जा रहे हैं, चींटियां मर रही हैं पांव से कुचल करके, सांस ले रहे हो, हजारों जीवाणु भीतर घुस रहे हैं, सांस के साथ निकल रहे हैं, हमको तुमको पता नहीं पड़ता। आंख की पलकें गिरती हैं, उठती हैं, हजारों जीव मर जाते हैं, हमको तुमको पता नहीं पड़ता। सर्वम जीवमयम जगत, ये सारा संसार जीवमय है। पानी पीते हो, जाने कितने जीवाणु भीतर चले जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। भोजन करते हो, जाने कितने जीवाणु भीतर चले जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। तो जान में और अनजान में पुण्य भी होता है और पाप भी होता है शरीर से। हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन पाप होता रहता है। तो जब भक्त मुक्त होता है तो सुकृत भी छोड़ता है, दुष्कृत भी छोड़ता है, छोड़ के ही जाता है इस संसार से, तभी मुक्त होता है। तो वो किसको मिलता है? तस्य प्रिया ज्ञातः सकृतम उपयन्ति, अप्रिया ज्ञातः दुष्कृतम। उस भक्त की सेवा करने वाले या उससे प्रेम करने वालों को पुण्य मिल जाता है जो छोड़ता है। और जो लोग उससे द्वेष करते हैं, द्रोह करते हैं, वो उसके पाप को भोगते हैं।
क्यों? क्योंकि ममता के कारण कर्मों का संक्रमण होता है। जो लोग संतों से प्रेम करते हैं वो तो उसमें ममता रहते हैं राग से, ये हमारा भक्त पूज्य है, ये हमारा सेव्य है, इस तरह की ममता रहती है। जो लोग द्वेष करते हैं उनको द्वेष पक्ष की ममता रहती है, ये हमारा प्रतिद्वंद्वी है, हमारा शत्रु है, हम इसका नुकसान करें, इसकी बुराई करें। ममता दोनों प्रकार की ममता होती है, एक राग की मन्नित ममता, एक द्वेष की ममता। राग की ममता क्या है? मेरी स्त्री है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पूज्य, मेरा गुरु, ये सब राग मार्ग की ममता है। द्वेष मार्ग की ममता क्या है? ये मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, मेरा प्रतिद्वंदी है, वो द्वेष मार्ग की ममता है। दोनों प्रकार की ममताओं में कर्मों का संक्रमण होता है। राग मार्ग की ममता में तो जो कुछ संतों ने पुण्य किया है वो मिलता है। द्वेष मार्ग की ममता में जो कुछ संतों ने अजान अनजान में पाप भया है वो मिलता है। तो ममता एक तार है बिजली का, जिससे कर्म आते जाते हैं, बिजली आती जाती है। ये बात समझने वाले दुनिया में बहुत कम हैं। इसीलिए ममता शुद्ध भक्तों से ही करना चाहिए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में होगा अंदाज से, हैं 25 का 20 है, संख्या याद नहीं रहती है। प्रसंग माने आसक्ति, साधुषु माने भक्तों में करो तो अपने आप मुक्त हो जाओगे। और दुष्टों में ममता करोगे तो वो जो कर्म करेगा तुमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए लोग विरक्त होते हैं, विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पुरुष अपनी स्त्री के कर्मों को भोगता है ममता होने के कारण, स्त्री अपने पतियों के कर्मों को भोगती है ममता होने के कारण, फिर बेटा बेटी पैदा होते हैं उनमें भी ममता हो जाती है। इस तरह से ममता का क्षेत्र बढ़ता रहता है और कर्म बंधन बढ़ते रहते हैं। इसका एक प्रमाण ले लो, अभी दे चुके हैं, सीता विमर्श हत मंगल रावणेशान यकचस्पर्श क्षतायुष,
और ये जो ममता है इससे कर्म कैसे भोगना पड़ता है, ये है चौथे स्कंद में 29वें अध्याय में 62वें श्लोक में। चार 29:62, मनुष्य पहले ममता करता है, विवाह हुआ कभी किस गांव की लड़की पता नहीं, लड़की को पता नहीं किस गांव का पति है पता नहीं, विवाह हुआ ममता का संबंध जुड़ा। अब आज से पीछे तुम इसके पति हो, ये तुम्हारी स्त्री है, एते बहुवचन है, ब्याह हुआ तो बच्चे भी पैदा होंगे, उन बच्चों को भी अपना मानेगा, ये मेरा लड़का मेरी लड़की। मम एते, एक एक अक्षर समझो, एते मने बहुवचन, ये सब मेरे हैं, स्त्री मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, फिर घर बना घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये सब ममता का क्षेत्र बढ़ता जाता है। फिर वह ममता अहंता बन जाती है, असौ अहम, पहले तो सोचता था ये मेरी स्त्री है मेरा पति है, फिर वो ममता असौ अहम, ये मैं हूं, जैसे ये शरीर मेरा है और मैं शरीर बन गया, असौ अहम। इससे क्या हुआ, घृणियात तत्पुमान राधम कर्म, मनुष्य राध मने उसके द्वारा किए हुए कर्मों को गृहणियात ग्रहण कर लेता है, स्त्री ने दुराचार किया उसका भोग पुरुष को भोगना पड़ा, पुरुष ने छिनट्टपन किया इसको पकड़ा उसको पकड़ा, उसका दंड स्त्री को भोगना पड़ेगा, क्योंकि ममता का संबंध है। इससे पुनर्भव मने जन्म होता रहता है, ये कर्म चक्र है, दिन पर दिन बंधता है, कर्म बढ़ता रहता है, परिवार बढ़ता है, और ममता का संबंध इतना बढ़ जाता है कि मेरी सास है मेरा ससुर है, ये ककिया सास है ददिया सास है चचिया सास है भुआ सास है ये समधी है ये ददिया समधी है चचिया समधी है, तमाम संबंध बढ़ता रहता है। एते इसीलिए शब्द कहा गया ममैते, ये ममता का संबंध बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, और इसीलिए 84 लाख योनियां बढ़ती रहती है। पुनर्भव बार बार जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु, अनंत जन्म अनंत मृत्यु, इसीलिए लोग विरक्त हो जाते हैं। और विवेकानंद ने कहा था, एन अनमैरिड पर्सन इज हाफ फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, हिंदुस्तान में साधु ज्यादा हैं,
क्योंकि यहां ऐसी परंपरा चलाई गई कि चाहे जब साधु बन सकते हो, और देशों में नहीं है ये, तो विवाह न करने से आधा भव सागर पार हो गया, क्योंकि स्त्री के कर्म तो थे ही थे, स्त्री के पुरुष को कर्म भोगने पड़े, बाल बच्चे परिवार बढ़ता रहता है, उसके सब का कर्म बंधन बढ़ता रहता है। ममैते मनसा यदत असौ अहमति ब्रुवन गृहणिया तब मान राधम कर्म ये न पुनर्भव। तो भगवान ने जो भागवत में 7, 10, 11 में ये दिखाया कि स्त्री आसक्ति मनुष्य को ये गति करा देती है, स्त्री संग नाम गतिम इति प्रथयंशचार, और इसी को 7, 11, 17 में और ज्यादा खोला है। स्त्री पुंग, पुंग माने पुरुष, प्रसंग माने आसक्ति, एतात्रिक सर्वत्र, सर्वत्र माने जीते मरते, त्रास माने भय देती है, आवह माने लाने वाली है, अपीश्वर नाम ईश्वर भी हो जाएगा, किमुत ग्राम्यस्य गृह चेतसः, फिर गांव का गमार गृहस्थी आदमी उसको तो भोगना अवश्य पड़ता ही है। यही भगवान ने दिखाया कि मैं भी भगवान होकर के सीता सीता चिल्लाता फिर रहा हूं, आसक्ति मनुष्य को सदा भय देती है, बंधन देती है, और 84 लाख योनियों में घुमाती है। केवल गुणासक्ति ही मनुष्य को संसार में घुमा रही है। तेरहवें अध्याय में इक्कीसवें श्लोक में ये बात कही गई है। तेरा गीता 13:21, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। अर्जुन, मनुष्य भुंक्ते माने भोग भोगता है प्रकृति से उत्पन्न गुणों का, कैसे भोगता है उसको प्रकृति में स्थित होना पड़ता है। जैसे तुम नहाना चाहते हो किसी सरोवर में, तो जल के भीतर घुसना पड़ेगा तब नहाओगे, जलस्थ होकर के जल में स्नान करना पड़ता है। वैसे प्रकृति में स्थित होने के बाद प्रकृति को भोगता है। बिना जलस्थ हुए जल स्नान नहीं होता, वैसे ही बिना प्रकृतिस्थ हुए प्रकृति का भोग नहीं होता है। एक एक शब्द समझ लो,
गीता समझना बहुत कठिन है, क्योंकि गीता में कथानक नहीं है, सिद्धांत सिद्धांत है। कथानक तो जल्दी याद आ जाता है, कहानी, सिद्धांत समझना कठिन होता है। जैसे जलस्थ होने के बाद जल में स्नान कर सकते हो, वैसे प्रकृतिस्थ होने के बाद जब प्रकृति का भोग करता है, ये भोग प्रकृतिस्थ हुए बिना भोग नहीं भोग सकता। पुरुष हो, स्त्री हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, भोग तभी होता है जब प्रकृति में गढ़ जाता है, प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब भोग होता है। बोले इसने भोग भोगा क्यों? कारणम गुणसंगोस्य, गुणाशक्ति ही सद असद योनियों में जन्म लेने का कारण है। सद माने अच्छी योनि, असत माने बुरी योनि। कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, सर्प, बिच्छू, पेड़ पौधे, ये सब असद योनि है। सद योनि क्या है? मनुष्य या देवता आदि सद योनियां हैं। दोनों तरह की योनियों में जन्म लेने के कारण गुण संग है, गुणाशक्ति है। आसक्ति नहीं हो तो भोग नहीं होगा। बिना आसक्ति के भोग नहीं होता। हम लड्डू खाते हैं तो लड्डू का भोग करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं लड्डू खाने के पहले लड्डू में घुसना पड़ता है, प्रकृतिस्थ हो जाता है मनुष्य। पहले लड्डू बन जाता है तब लड्डू खाता है। मोदकाकार वृत्ति बनती है पहले खाते समय, अंतःकरण लड्डू बन जाता है, बड़ा मीठा है लड्डू, वाह वाह, रसगुल्ला बड़ा अच्छा था, मुंह में जाते ही सटक गया। तो तुम लड्डू रसगुल्ले को नहीं खा रहे हो, रसगुल्ला तुमको खा रहा है। ये बात स्थूल व्यक्ति नहीं समझ सकता, स्थूल दिमाग का। लड्डू हमको कैसे खाएगा? लड्डू इस तरह खाता है, लड्डू एक वृत्ति पैदा करता है तुम्हारे भीतर मन में जाकर के, लड्डू बहुत अच्छा है। मोदकाकार वृत्ति बनती है तब लड्डू मीठा लगता है। इसी तरह से मनुष्य पहले स्त्री बन जाता है तब स्त्री को भोगता है। ये बात तीसरे स्कंद में साफ साफ लिखा हुआ है, स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तम वित्तापत्य गृहप्रदम। तीन तीस, अच्छा 31 का 41, ठीक है, वाह। स्त्री संग मन स्त्री आसक्ति से स्त्री पने को प्राप्त हो जाता है। जितने भी पुरुष हैं
जो भोगते हैं स्त्रियों को, उनको स्त्री बनना पड़ेगा, ये भूल जाते हैं। स्त्री जो बन चुकी हैं, ये पहले कभी पुरुष थी, इन्होंने भी भोग किया था आसक्ति के साथ, अब स्त्री होनी बननी पड़ी है। स्त्री संग माने आसक्ति से स्त्री बनना पड़ा। अब स्त्री बन गए तो घर भी बनाना चाहिए, पैसा भी चाहिए, बेटा। वित्त माने पैसा, क्या खाओगे। अपत्य माने बेटा बेटी। गृह माने घर मकान। ये सब स्त्री बनने के बाद इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए पाप योनि कहा गया है। पुरुष का भोग दंड स्त्री को भोगना पड़ता है। अपत्य बेटा बेटी वही पैदा करेगी, पुरुष नहीं पैदा करता है। अपत्य माने बेटा बेटी, तीन 31-41 वित्त अपत्य गृह प्रदम। वित्त माने पैसा चाहिए गृह चलाने के लिए। अपत्य माने बेटा बेटी होंगे फिर कहाँ रहेंगे, कोई घर चाहिए। वित्त अपत्य गृह प्रदम, यही स्त्रीपना है। यानी स्त्री बनने के बाद ये चीजें जरूर आएंगी, जरूर आएंगी, तो बंधन बढ़ता है। बेटा बेटी में ममता भाई, उनके कर्म आए तुम्हारे पास। लड़का मान लो चोर है, हम जब छोटे से थे करीब 75 साल पहले, उस समय हिंदुस्तान में सुल्ताना डाकू नाम ही हुआ था अंग्रेजों के समय में, उसके डर से अंग्रेज कांपते थे। उस सुल्ताना को जब फांसी मिली, एक दिन तो पापों का कर्म जरूर मिलता है, उस सुल्ताना को गवर्नमेंट कभी नहीं पकड़ पाई, लेकिन एक वेश्या ने उसको पकड़ा दिया था। भोग भोगी तो होते ही सब डाकू वाकू, और उसने उसके साथ धोखा किया और सुल्ताना पकड़ा गया। अंग्रेजों को समय में फांसी लगती थी, फांसी लगने के पहले उससे पूछा जाता था क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, आखिरी इच्छा क्या है। वो बेचारा खाएगा क्या हो, तो जब फांसी लगने वाली है ज्यादातर कहते हैं कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं। किसी से मिलना चाहते हो, हाँ उसको मिलाया जाता है। तो सुल्ताना ने कहा कि मेरी माँ है, उससे मुझे मिला दो। अंग्रेज लोग बड़े खुश हुए कि बड़ा मातृभक्त है, अब मरते समय अपनी माँ को याद कर रहा है। बोले ठीक है लाओ। उसकी माँ को लाया गया और सुल्ताना अपनी माँ से मिलने चला। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा कि फांसी पर मरने वाला है, तो लिपट के रोने लग गई, बेटा बेटा। जैसे वो लिपटी, वैसे सुल्ताना ने चुपचाप, यहाँ कोई चक्कू या ब्लेड रखा था, माँ की नाक काट दिया। अब सारी नाक कट गई,
अरे रोने लग गई, बेटा ये क्या किया? बोले मां डाकू तूने बनाया मुझे, इसलिए मैं बदला चुका रहा हूं। तब लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट ने बयान लिया कि इसने कैसे डाकू बनाया। तब उसने आखिरी बयान दिया कि मैं जब छोटा सा था तब चुरा के लाया करता था पड़ोसियों की कोई चीज, तो मां मेरी पीठ ठोकती थी और लिया तो किसी पड़ोसी के बर्तन चुरा लेता था। इस तरह से मेरी मां ने ही मुझे डाकू बनाया। आज मैं फांसी के तख्ते पे जा रहा हूं तो ये क्यों जा रहा है? मेरी मां ही मेरी इस भूल का कारण थी। मां बाप ममता के कारण बच्चों को पक्ष करते हैं। बच्चा गलत काम भी करता है तो भी उसको मेरापन के कारण मां बाप सह लेते हैं या टोकते नहीं हैं। संसार में ये देखा गया है अगर कोई लड़का या लड़की विरक्त होना चाहता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसका बाप विरोध करते हैं और वो उसको जबरदस्ती संसार में फंसाते हैं। इसलिए संसार में फंसने का कारण माँ बाप की आसक्ति है। ये बात भगवान ने स्वयं कहा है, पांच पांच अठारहवां श्लोक है शायद, पांचवां स्कंद पांचवां अध्याय। वो गुरु गुरु नहीं है, गुरु लोग भी फंसा देते हैं माया में। कमाओ जिसमें पैसा रहेगा तो हमको भेंट करोगे, ब्याह करो गुरु लोग करते हैं। तो भगवान ने कहा गुरु गुरु नहीं है, स्वजन परिवार के चाचा चाचा ताऊ बहन भाई फंसाते हैं। पिता न सस्यात जननी न सास्यात, वो बाप बाप नहीं है जो जबरदस्ती फंसा रहा है। जननी वो माँ माँ नहीं है, दैव माने भाग्य भाग नहीं है। बोले पति पति भी पति नहीं है जो केवल भोग भोगता है। फिर कौन है अपना? न मोचेद यह समुपेत मृत्युम, मौत से छूटने का जो रास्ता नहीं बताता है वो पिता पिता नहीं है, माँ माँ नहीं है, भाई भाई नहीं है, बहन बहन नहीं है, गुरु गुरु नहीं है। ये मनुष्य शरीर मिला है, यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम ने कहा है इस शरीर का फल विषय नहीं है। तो अगर पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, ये पंद्रहवां श्लोक है। अच्छे माँ बाप को चाहिए अपने बेटा बेटियों को, और गुरुओं को चाहिए हमारे शिष्य। राजा को चाहिए कि हमारी प्रजा सब
जो मन लोक कामो हमारे धाम में आना चाहते हैं, मद अनुग्रह मेरी कृपा चाहते हैं, उनको चाहिए अभिमन्यु मन क्रोध को छोड़ करके अनुशिष्यात सिखाएं, अतच ज्ञान जिनको ज्ञान नहीं है, न जो जेत कर्मसु कर्म मूढ़ान, संसार संसारी कामों में आसक्त है, कर्म मूढ़ों को कर्म में मत फंसाओ, कम योजन मन जो अर्थम लभे तो क्या मिलेगा तुमको, तुमने ब्याह करा दिया तुमको कुछ मिला तो नहीं, कम योजन मन जो अर्थम लभे तो कुछ नहीं मिलेगा, तुमने तो निपाते नष्ट दृश्यम ही करते, आंख फोड़ करके, नष्ट दृश्य मने आंख फोड़ करके अपने लड़के लड़की को गर्त मने गड्ढे में कुआं में डाल दिया, अब वो कभी भी उसके आंख भी नहीं है कुएं से निकलने का कोशिश नहीं करेगा, अंधा हो गया उसी में कुएं में भटकता रहेगा, नष्ट दृश्य मने जिसकी आंख फूट गई है, तुमने उसको गर्त मने गड्ढे में डाल दिया, तो इसलिए भगवत रसी ने लिखा है पिता एक ही हुआ है ऋषभ देव, इनके 100 लड़के सभी विरक्त बन गए, तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो, माता एक ही भैया दुनिया में मदालसा, जिसकी प्रतिज्ञा थी कि हमारे कूख में जो बच्चा आ गया है अब किसी की दूसरे के कूख में नहीं जाएगा, हमारी कूख में जाएगा जो आ गया वो आखिरी जन्म है अब मुक्त हो जाएगा, मंदालसा ने प्रतिज्ञा किया था और उस प्रतिज्ञा को निभाया, बहुत लंबी कथा है समय हो गया, मात तात पिता सो होए मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो होए मित्र प्रहलादे जानो, बेटा एक ही हुआ है कपिल जिसने अपनी मां को भक्ति की शिक्षा दिया मुक्त किया, बाकी बेटा बेटी तो सब केवल मां बाप से पैसा लेने के लिए बनते हैं, स्वार्थी लोभी कामी क्रोधी ऐसे ही संतानें आजकल घर घर हैं, मित्र एक ही हुआ है प्रहलाद, पुत्र कपिल सो होए मित्र प्रहलादे जानो, भ्राता विदुर दयाल, भाई एक ही हुआ है विदुर, अगर विदुर नहीं होते तो धृतराष्ट्र अनंत जन्मों तक नरक भोगते रहते हैं, ये हम कई बार सुना चुके हैं। योषिता स्त्री एक ही हुई हुई है द्रौपदी, बाकी तो सब स्त्रियां भोग भोगाने वाली माया रूपणी होती हैं, द्रौपदी ने भगवान को प्रकट करके दिखाया, योषिता द्रुपद दुलारी, राजा पृथसो होय, राजा एक ही हुआ है पृथु जिसने सारी प्रजा को भक्ति को उपदेश दिया, और भर्ता नृप अम्बरीश हो, पति एक ही हुआ है अम्बरीश जिनके कई 100 रानियां थी भोग नहीं भोगा, सबको भक्त बना दिया,
और आज तक कोई पति नहीं हुआ है। भगवत ये जो मिले चिदानंद रस छिल मिले, इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति अपना नहीं है, सब मायावी हैं, माया में फंसाने वाले हैं। जय श्री राधे।